पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए आज थम गया चुनाव प्रचार। सभी राजनीतिक दलों ने अंतिम दिन झोंकी पूरी ताकत। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में चर्चित शख्सियतों की होगी असल परीक्षा। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार का शोर आज थम गया। इन लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा क्षेत्रों में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर जहां जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, तो वहीं भाजपा की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। आज प्रचार के अंतिम दिन जयंत चौधरी अमरोहा पहुंचे और यहां से उन्होंने अपने मतदाताओं को संदेश देने का काम किया। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीटों में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव में दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार का शोरगुल बुधवार शाम 6 बजे थम गया। पिछले चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 भाजपा और 1 बसपा की झोली में गई थी। वेस्ट यूपी के इन 8 सीटों के लिए आज जो प्रचार थम गया है, इसमें सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चर्चित शख्सियतों की परीक्षा भी आज है। दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 भाजपा और 1 बसपा की झोली में गई थी। दूसरे चरण में कुल 91 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गौतम बुद्ध नगर व मथुरा सीट पर सर्वाधिक 15-15, बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अमरोहा में 12, मेरठ में 8, बागपत में 7, गाजियाबाद व अलीगढ़ में 14-14 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1,67,77,198 मतदाता करेंगे। कई चर्चित शख्सियतों की परीक्षा भी इस चरण में होगी। इस चरण में मथुरा की भाजपा सांसद व सिने तारिका हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जीत की तिगड़ी लगाने के इरादे से चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं टेलीविजन धारावाहिक रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाकर चर्चित हुए अभिनेता अरुण गोविल भी इस चरण में अपने जीवन के पहले राजनीतिक इम्तिहान से गुजरेंगे। इन सीटों पर भाजपा के लिए परीक्षा होगी। तो वहीं बुलंदशहर सीट पर मौजूदा भाजपा सांसद भोला सिंह की जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश को बसपा सांसद गिरीश चंद्र विफल कर सकते हैं या नहीं, इन पर भी निगाहें लगी हैं। हाथी की सवारी छोड़कर हाथ का दामन थामने वाले सांसद कुंवर दानिश अली अमरोहा सीट पर फिर कमाल कर पाएंगे या नहीं, दूसरा चरण यह भी तय करेगा। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री रहे गाजियाबाद के भाजपा विधायक अतुल गर्ग की भी परीक्षा इसी चरण में है। अब यह देखने वाली बात होगी कि 26 अप्रैल को मतदाता किसको वोट करते हैं और किसको नेगलेक्ट करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी।